होता है आपका ये फिल्टर, ठीक ऐसे निकालना है। फिल्टर को भी आप ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको साफ़ करने का तरीका कुछ लोगों को देखा है कि फटाफट पटक से बहुत जाता है, चलो इसका बहुत साफ है, ये फट जाता कई बार और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है। फट जाने की दशा में फिर ये आपका इंजन ख़राब कर देगा। साफ़ करने का तरीका आपका ऐसे पकड़ना है, जब आप इसको फिट करेंगे फोटो ही लेना भाई, पीछे कहाँ जब लगा ये यहाँ से ना घूमता है, कई बार इधर बहुत जोर लगा देते हैं ना पक्के से बाहर निकल जाएगा, इधर एक हाथ लगाना है और ऐसे सेट कर देना। बांधते समय ये टॉप का निशान इम्पोर्टेंट ये है, ये ऊपर है, कई बार ये मिटर जाता है। सेकंड कर दो और रोटर चल रहा था तो बेसी एस तुअर पका रहा था, फिर बाद गर्म गाड़ी में इस ढक्कन को कभी मत खोलिएगा, चोट लग जाएगी, बहुत प्रेशर होता है यहाँ पे। अगर कुछ लोग खोलने की कोशिश करते हैं तो फटाक से मारेंगे वो तोड़ेगा, हाथ घायल कर देगा, अच्छी खासी चोट लग जाएगी। बहुत डस्ट वाला काम कर रहे हैं, मान लो आप रिपर भी चला रहे हैं, उस केस में इस जाली को निकाल देना है। इस जाली को निकालने के बाद इस पर आप मच्छरदानी चढ़ा सकते हैं। कूलेंट का लेवल इसके ऊपर ना जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बहुत ऊपर है, बस जाने के बाद ये कोटा भी निकलवा दें, निकलवा दूँ आप, ठीक है राजेश को निकाल देना जी। इतना हिस्सा आपको ध्यान देना है, इंजन की लाइफ आपकी बनी रहेगी, कभी आपको शिकायत नहीं आने वाली। चलो आपने बता दी अच्छी बात है, मगर इतना तो कर रहा है अपन भाई जान पे अलग ही बता कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम इसलिए बता रहे हैं कई जगह कस्टमर को मिला ये वाला हिस्सा कहीं ऊपर है, कहीं इधर है, कहीं वहाँ है, उस केस में क्या पता भी नहीं चलता, गाड़ी वारिट हो जाती है। अभी चल रहा सीजन एयर का सर, एयर कौन सा कार वाला करवा दिया है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मान चलिए कि आप इसको जो है 8-10 दिन में 15 दिन तक निकाल दें, इसको ढीला करना है, टाइट कर देना, बस एयर रिलीज हो जाएगी आपको। दिया हुआ है इसका क्या क्यों लगाया गया है, कुछ एयर की काज लगा हुआ तो डीजल डीजल ख़त्म भी होगा तो अपन ने ऐसे खोल कर डीजल डाल कर थोड़ी देर बाद चालू कर, ठीक है ये चालू कर दें, इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है, इसके आगे की जानकारी हम आपको दे देंगे। अगर गाड़ी का डीजल आपका ख़त्म हो गया है, ट्रैक्टर ने एयर ले लिया है, एयर लेने की दशा में बाकी ट्रैक्टरों में क्या आप लोग पंप से एयर निकालते थे, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये नॉब लगा है, इसको ढीला करना है हाथ से ही, रिंच पाना पेचकस कुछ नहीं लगाना है, हाथ से ढीला हो जाएगा। ढीला करने के बाद बराबर आप रेस देंगे, रेस जैसे ही आपकी बराबर हो जाती है वापस इसको टाइट भी करना है। कई बार क्या है कस्टमर टाइट नहीं करते हैं, फिर कंप्लेंट आती है कि भाई माइलेज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खुला हो जैसा अभी ये खुला होगा तो जो आपको 3-3.5 के आसपास मिल रहा होगा ना, 5 के आसपास पहुँच जाएगा। ध्यान देने वाली चीज़ ये है, और दूसरी हाथ से ही टाइट करना है, हाथ साइज हाथ से ही खोलना है, और इनसे प्लस पाना कुछ लगाना है। सेकेंड ये जो लगा हुआ है नॉब, इसका इस्तेमाल कब करते हैं आप? अब रोड पे तो फंसा कर रहे हैं, अगर बखन्नी अखन्नी कर रहे हैं अपन, अगर आप रोड पे चलते हैं इसको हटा के चलेंगे या लगा के चलेंगे? लगा के चलेंगे। जब आप पैर रखेंगे ना तो बीचों बीच में रखेंगे, अगर यहाँ पे रख के ब्रेक लगाएंगे तो दोनों पहियों में बराबर फोड़ जाएगा, बराबर लगेगी। नहीं लगाएंगे, मान लो इधर से आपने दबा दिया, ये इसको लगा तो देगा मगर, लेकिन उधर दबाव ज़्यादा जाएगा इधर कम जाएगा, फिर आपको लगेगा गाड़ी लहराने लगी, क्योंकि एक चक्कर रोक रहा है एक चक्कर भगा रहा है, तो प्रेशर बराबर जाए यहाँ पे, तो उससे क्या बराबर ब्रेक लगेगी तो आपको चलाने में नहीं रहेगा। टायर का दबाव कितना रखते हैं, हवा का प्रेशर? हवा 18 के लगभग है जी, 18.18 नहीं रखना है आपको जी, आप 12 से 15 के बीच रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15, इससे आगे ना जाएं। ज़्यादा जाएंगे तो ये गुटियाँ आपकी बराबर ना पकड़ नहीं बनाएंगी ज़मीन में, फिर स्लिपेज काटेगी, अगर स्लिपेज काटेगी तो आपका माइलेज मरेगा, माइलेज मरेगा तो काम कम निकलेगा, तो छोटे से दबाव है इसको सही से रखेंगे तो आपका माइलेज भी अच्छा आएगा, काम का आउटपुट भी अच्छा आएगा। यहाँ पर एक ध्यान देना चीज़ है, ये पीटीओ लीवर लगा हुआ है, ठीक, इस पीटीओ लीवर को अगर आपका सीजन ऑफ हो जाता है, जिस समय आपका रोटावेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस समय इसको 10 से 15 दिन के अंदर आगे पीछे करना है, ये अगर नहीं करेंगे तो उस केस में क्या जाम हो जाता है कई बार, अच्छा तो उसकी शिकायत ना आने पाए
दस पंद्रह दिन में आप कर दें, क्योंकि बरसात वगैरह टाइम क्या, दो तीन महीने से गाड़ी आपकी खड़ी रहती है, बाकी साल भर तो यूज हो ही गई आपकी। हाँ, मैं दो महीना का जो फिर बरसात में रोका ही जा रहा हूँ। ठीक है, पीछे की साइड में करेंगे तो 750 मिलेगा, आगे करेंगे तो 540, 20 मिला के रोक देना है। बाकी पीटीओ का इस्तेमाल तो आपने कर ही लिया। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब भी कभी कल्टीवेटर रोटावेटर कहीं अगर लेके जा रहे हैं, मान लो 20-30 किलोमीटर जाना है लंबा, तो यहाँ पे कहाँ फंसाते हो उसको, मेरे को कहाँ लेके जाओगे? फंसा है वहीं फंसा दी, ऐसा ना करो, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी लेकिन आपके सेंसर की लाइफ बढ़ेगी। मेहनत ये पड़ेगी इस वाले हिस्से में, ऊपर वाले हॉल में, कोई भी इम्प्लीमेंट कहीं भी कुछ भी ले जाना है ना, तो आप यहीं पर फंसाएंगे। वजह क्या है कि जब आप यहाँ पर फंसाते हैं तो नीचे जो आपका सेंसर लगाए हैं इस पर डैमेज होने के निशान नहीं आते, फिर यहाँ पर फंसाए, रास्ते में जा रहे हैं, गचर पचर हो रहा है, गड्ढा गुड्ढी पड़ रहा है, तो ये ना बराबर काम करता रहेगा, वो हाइड्रोलिक को भी सेंस देता है बराबर, स्प्रिंग लूज होने का, टूटने का कई सारे खतरे होते हैं। तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो नीचे सेंसिंग आपकी फ्री है, फिर वो काम नहीं करेगी, ये बिल्कुल जीरो सेंसिंग है यहाँ पे। तो जो भी इम्प्लीमेंट लेके जाएंगे वो यहीं से वो लगा के जहाँ ले जाओ, फिर जहाँ चलाने खेत में आप उतारेंगे तो आपको करना है, नॉब निकालना है ऊपर नीचे, जहाँ लगानी आप लगा लो, जैसे इम्प्लीमेंट है।